नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में दीपक का लाइफ में। आज की वीडियो में बताने वाले हैं क्रीम का मिठाई। वैसे तो मिठाई बना हुआ है, तैयार है, कंप्लीट है, लेकिन इसमें क्रीम कैसे लगाना है, किस तरह का डिज़ाइन बनाना है, लुक बनाना है, वो चीज़ बताने वाले दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारा तीन चार तरह के इसमें मिठाई है, सब अलग अलग रूप में अलग अलग डिज़ाइन बनेगा। आने वाले दिनों में सभी का मैं वीडियो डाल दूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों ने क्रीम कर लिया, भैंस दूध का क्रीम करके रखा है पहले से ही। क्रीम को मात करके मिक्स कर लिए, क्रीम में थोड़ा वनीला एसेंस देकर के, इलायची देकर के, और ये मिठाई लिए हमें चोला वाला, बिल्कुल पिट्ठा की तरह लंबा और गोल है। इस तरह से कटिंग करके जिस तरह से हम क्रीम चॉप लगाते हैं उस तरह से इसको हम लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बीच में काट करके पूरा क्रीम भर करके इस तरह से लगा रहे हैं। उसको पूरी तरह से काटना होता है, थोड़ा छोड़ा जाता है ताकि लगाने में आराम हो। इस तरह से लगा लगा करके दोस्तों हम सभी को रख लेंगे, सभी को सजा लेंगे। जिस तरह से हम क्रीम लगा रहे हैं देख लीजिए, इस तरह से क्रीम लगाना है दोस्तों। तीन चार तरह का मिठाई आने वाले दिनों में, हर अलग अलग मिठाई का डिज़ाइन का मैं रेसिपी देने वाला हूँ दोस्तों। और ये पहला है, शुरुआत हुआ है क्रीम की मिठाई से। तो ये तैयार हो चुका है दोस्तों, लगभग क्रीम लग चुका है इसमें। अब सभी को हमने क्रीम, सभी में क्रीम लगा लिया। अब इसमें तबक चिपकाएंगे, वर्क, ये सिल्वर वर्क होता है दोस्तों चांदी का, जिसे तबक कहते हैं, इसे चिपका देंगे। मिठाई खूबसूरती बढ़ता है दोस्तों। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला लगेगा, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अब इस तरह से हम कट कर लेंगे इसको। एक बड़ा मिठाई को लिया हमने, उसमें क्रीम लगाया और उसको त्रिकोण साइज से काट लिया। और इसका ये लुक देखिए, अब इस तरह का हो गया। देख सकते हैं किस तरह से कटिंग कर रहे हैं, बस यही करना है, क्रीम लगा देना है, तबक मार देना है और कट कर देना है, और ऊपर से निपुल मार देना है। और ये निपुल मार रहे हैं, देखिए देख लीजिए किस तरह से निपुल मारा जा रहा है दोस्तों। और ये मिठाई हमारा लगभग तैयार हो चुका है। इससे दोस्तों हमने पहले ही चाशनी में पका कर रखा था, छेना का मिठाई है, उसमें क्रीम दिया और ऊपर से ये निपुल मारा क्रीम का ही दोस्तों, पीला कलर करके, येलो कलर में। और ये पिस्ता बादाम है, इसको सजावट के प्रयोग करेंगे। मिठाई को ऊपर थोड़ा थोड़ा देंगे, एक साइड पिस्ता दे देंगे, एक साइड बादाम दे देंगे। तो दोस्तों इसी साथ हमारा मिठाई तैयार हो चुका है। बताइएगा कैसा लगा क्रीम का मिठाई दोस्तों। देख सकते हैं देखने में कितना खूबसूरत है, खाने भी लाजवाब लगता है दोस्तों। क्रीम का मिठाई वास्तविक में खाने में बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।